यूपी के संत कबीर नगर जिले में पहुंचे भाजपा के प्रदेश मंत्री सुभाष यदुवंशी का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। इसी दौरान प्रदेश मंत्री ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। आपको बता दें कि खलीलाबाद सर्किट हाउस में भाजपा के प्रदेश मंत्री सुभाष यदुवंशी पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के निर्देश पर जिले में पहुंचकर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा की प्रदेश सरकार के 4.5 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास के बारे में जमकर बखान किया। साथ ही तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। उसी दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए कि जिले में हुए किसी एक काम को बता दें, लेकिन भाजपा के प्रदेश मंत्री सटीक जवाब नहीं दे पाए और सरकार के कागजी कोरम को बताते रहे। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 4.5 वर्षों में पूरे प्रदेश की तस्वीर और दिशा और दशा बहुत ठीक प्रकार से बदली है। राजनीतिक फिजाओं से लेकर के चाहे सांस्कृतिक बात हो, चाहे धार्मिक बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक नया आयाम को छुआ है और प्रदेश लगातार बुलंदियों पर चढ़ रहा है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश पूरे देश के अंदर अग्रणी स्थान पर है, वहीं पर सबसे ज़्यादा जो SME और इस इकाइयों के लगने की बात है छोटी, सबसे ज़्यादा इकाइयाँ उत्तर प्रदेश में लग रही हैं। आंवला के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, दुग्ध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक नंबर पर पहुंचा है पूरे देश के अंदर।